तो इस बार हमको फिर एक बार रसल वाइपर दिखाई दिया है एक आर्मी एरिया में। इसके पहले भी हमने पहले पकड़ा था, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए वो किस तरह इंसान से डर के बैठा हुआ है। अगर आपको दिखाई देता तो आप देख सकते हो, देखिए कोने में पाइप के नीचे वो बैठा है। अभी इसको हम लोग रेस्क्यू करने के लिए आए हैं और सही सलामत इसको नेचर में छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो वो किस तरह इंसान से डर के छुप के बैठा हुआ है। वो इंसान से डरता है, इंसान उससे डरता है, और ये चक्कर में उसको लोग मार देते हैं। तो हम लोग हर बार बोलते हैं कि इसको मारो मत, इसको हम सही तरीके से रेस्क्यू करेंगे। कसे चान्स भेटत नाही ना त्या अडकायला, आहे तिथे मला तिथे काय तिथं शेफ्टी शांत होऊन दे। वो इधर लाओ भैया, एक गोली और एक लो, आपके वाली में डालो ऐसे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं उसका होल है ना वो, सर इसको कहाँ करोगे इसका? अभी आप सोचो, हम लोग रोज पकड़ते साहब रोज। और आप मैं कितना डर के पकड़ा, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितना खतरनाक। मैंने इसकी मैंने इसका कलर देख के इनको बताया कि ये सबसे डेंजर सांप है, ये यकीन नहीं करे सर। वो बोले आप बोले खतरनाक नहीं। हाँ तो आपने देखा कि कितना खतरनाक सांप है ये, जब इसको कोई तकलीफ देगा तो ये 100% बाइट लेने की कोशिश करता, बाइट लेता ही है। इतनी देर से वो पाइप के नीचे छुपके से बैठा था, जब इसको मैंने रेस्क्यू किया तो मैं खुद कितना घबराया हुआ था। तो आपने देखा कि मैं भी कितना डर के पकड़ रहा था, मतलब होमोटॉक्सिक बना में उसका सबसे खतरनाक। तो इसलिए इसको सही तरीके से इसको तो अभी रेस्क्यू किया है, लेकिन इसको सही तरीके से इसके नेचर में हम लोग छोड़े, क्योंकि वो भूले भटके वहाँ पे आ गया था। तो हमारी ड्यूटी की, अगर वो भूले भटके वहाँ पे आ गया तो हमारी ड्यूटी उसको सही जगह पे नेचर में उसको छोड़ना, ताकि वो खा सके। और फिलहाल तो ये जो है रसल वाइपर अभी ये भूखा है, तो इसको भूख लगी हुई है और ऊपर से हमने इसको पकड़ा इसलिए वो ज़्यादा चिड़ में। इसके लिए हम उसको अभी यहाँ पर सही सलामत उसको रेस्क्यू कर देंगे, और एकदम लेकिन चौकन्ना होकर और दूर से। अब देख चला गेलं गेलं आता कटायचं।